Hey guys, welcome back to my channel iShared. So friends, in my today's video, we are going to make a beautiful and easy pencil case. So friends, please like, subscribe and share my video. Let's go. So friends, हमें एक decorative sheet चाहिए जिसकी breadth 23.5 cm और length 21.5 cm होनी चाहिए. अब हम इसको कुछ इस type से paste कर देंगे. तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कुछ इस टाइप से स्टिक कर दिया है. अब हम एक शीट लेंगे और उस पर कुछ इस टाइप से थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए. अब हम इसको कट कर लेंगे. सो फ्रेंड्स, मैंने इसको कुछ इस टाइप से कट कर लिया है. अब हम इसको इस टाइप से जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसके ऊपर रखेंगे और वन बाय वन इसको पेस्ट कर देंगे. सो फ्रेंड्स, मैंने इसको कुछ इस टाइप से स्टिक कर दिया है. अब हमको इसका कैप बनाने के लिए एक स्ट्रिप चाहिए. ये स्ट्रिप को हम कुछ इस टाइप से राउंड रोल कर देंगे. और इसको स्टिक कर देंगे. फिर हमें इस कैप को इस टाइप से निकालना है और एक ऑरेंज शीट पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है. सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से हमारा कैप बनके रेडी हो चुका है. इस पे मैंने रेड कलर का ग्लिटर शीट से एक हार्ट कट करके पेस्ट कर दिया है और ये कुछ इस टाइप से बन गया. मैं इसमें स्केच पेन रख रही हूँ. आप चाहें तो पेंसिल और इरेजर भी रख सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट पेंसिल केस बनके रेडी हो गया है. चलिए अब अपना सेकंड पेंसिल केस बनाते हैं. कुछ इस टाइप से फोल्ड कर देंगे. इसको कुछ इस टाइप से हम पेस्ट कर देंगे. सो फ्रेंड्स, मैंने इसे कुछ इस टाइप से बना लिया है और अब हम इसे ऐसे करके और अब हमें इसके ये कॉर्नर्स को कट कर लेना है. सो फ्रेंड्स, ये बनके कुछ इस तरह से रेडी हो गया है. मैंने इसके एजेस को राउंड शेप में काट दिया है. अब हम इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे. इसको चिपकाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है और अब हम इसको स्टिक कर देंगे. सो फ्रेंड्स, मैंने इसे कुछ इस तरह से चिपका दिया है और ये बनके रेडी हो गया है. इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने एक स्माइली भी इसमें पेस्ट कर दिया है. तो फ्रेंड्स, हमारा दोनों पेंसिल केस बनके रेडी हो गया है.